أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अजोको असो टॉपिक पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के डॉटेड डायग्राम में शो कर वो खास कर यो बुकन में लिखल हों उन बारे में डिस्कशन है। ये असो लेक्चर जो है यो पावर पॉइंट के फॉर्म में भी तवे पेजिस से मौजूद होंद उत यो पेजिस भी डाउनलोड कर सोता प्रिंट करा सोता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एलिमेंट्स एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स आर फैमिलीज। ईच कॉलम ऑफ द पीरियडिक टेबल कंटेन वन एलिमेंट फैमिली। हाइड्रोजन इज यूजुअली कंसीडर सेपरेटली सो द फर्स्ट एलिमेंट फैमिली बिगिन्स विद द लिथियम एंड सोडियम इन द फर्स्ट कॉलम। अड़े तरीके से हाइड्रोजन पर्यों पीरियडिक टेबल में पर्यों एलिमेंट है पर उनकी का भी पोजिशन ना है तो अस सोडियम का स्टार्ट कहीं लिथियम का तो इनके अल्कली फैमिली छबो आड़े तरीके से जस्ट अ ह्यूमन फैमिली मेंबर्स ऑफन हैव द सिमिलर लुक्स एंड ट्रेड्स। मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स फैमिलीज हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर एनर्जी लेवल्स। फैमिलीज के जो ग्रुप्स में विराए वो एलिमेंट्स की वो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बेस से विराए वो जैमें जितरा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको ग्रुप होंगे यानि ग्रुप वन में इलेक्ट्रॉन वन होंगे ग्रुप टू में इलेक्ट्रॉन टू होंगे ग्रुप थ्री में इलेक्ट्रॉन थ्री होंगे ग्रुप फोर में इलेक्ट्रॉन फोर होंगे यानि जितरा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में उनको उ ग्रुप चौराइंद। मिसाल के तौर में ग्रुप खी आया नोबल गैसेज तुझे सामू डॉटेड स्ट्रक्चर भी ठाई है ती सोता नियॉन एंड द एलिमेंट बिलो इट इन द ग्रुप 18 आर ग्रुप 8। नॉर्मली जो बुक पढ़ो था उनमें पंजाब टेक्स्ट बुक आ या फेडरल जो टेक्स्ट बुक आ उन्होंने 18 ग्रुप सजो वो इनके 8A ग्रुप के पर मैं बई लिखो जो तुझे सहन में हो छो असें हैदराबाद टेक्स्ट बुक या सिंध टेक्स्ट बुक में यो लफ्ज़ जो है 8A ग्रुप आ नॉर्मल बेन बुकन में 18 ग्रुप भी इनके सजे तो। नोबल गैसेस हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। देयर एनर्जी लेवल्स आर स्टेबल सो दे डू नॉट कंबाइन इजीली विद ईच अदर। 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इन कर 8 इलेक्ट्रॉन होजन के करे हुए जे केन पान में एक बे सा बे एलिमेंट सा रिएक्ट नाइन कंदा इनन के सेपरेटली ये नॉन रिएक्टिव गैसेस चवराइन। मिसाल के तौर एट वन टाइम दीज एलिमेंट्स वर थॉट टू बी कंप्लीटली अनरिएक्टिव एंड देयर फोर बिकेम नोन एज अ इनर्ट गैसेस। इन वैलेंसी भी जीरो चई वी है तेज कर जनरली नोबल गैसेस के जीरो गैसेस भी चाहिए। एकड़ी गाल जहन में रहन घुर्ज नियान जो जिक्र थो नियान या आर्गन या हीलियम या क्रिप्टॉन ये डिस्कवर कड़े साइंटिस्ट क्यों हुई गैसेस 8A ग्रुप फर्स्ट टाइम रैमसे साइंटिस्ट जो नालो जैसे डिस्कवर किया इन नॉन रिएक्टिविटी बेस से लेजीनेस के बेस से इन्हों नालो रखे वे वो गैसेस जो है तेज कर बी केयरफुल इन गैसेस जहाँ नाला भी रिएक्टिविटी बेस से रखा वन इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव चौराइंदी। When the chemist learned that the sum of these gases can react, their name was changed to the noble gases. And they are still the most stable element group. इन्हन में सभी का वधीक मोस्ट स्टेबल गैसेस जन उ ये छो जो अकेला रहन था इन लफ्ज़ इन्हें नोबल चाहिए नोबल लफ्ज़ इस्तेमाल इनके करे थी नोबल जो मतलब है वो मानू तो इन अस सिंपल तरीके से ही भी पैं जिंदगी अकेलाई में गुजारी गैसेस कैंसा रिएक्ट न कन्द तेकर इनो बो नालो नोबल गैसेस भी आए। हैलोजन डॉटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर वरी हैलोजन की खी वही है हैलोजन में अस एलिमेंट खो है फ्लोरिन। इनके हैलोजन छो सरबो हेलो लफ्ज़ की माना होंगी है साल्ट इन में लफ्ज़ में हेलो ग्रीस बोली जो लफ्ज़ है हेलोफाइट्स हेलो मीन्स साल्ट फाइटोज मीन्स प्लांट द प्लांट विच सर्वाइव एज द साल्टिश प्लेसेज इन ऑन द हेलोफाइट्स। हेलोजिन मीन्स साल्ट फार्मिंग एलिमेंट्स तेज कर हेलोजिन जे भी एलिमेंट्स हैं उ जैसे भी अल्कली मेटल से रिएक्ट कान या अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट कान तो ये साल्ट ठाईंदा एंड द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 17 आर कॉल्ड हेलोजिन्स। नॉर्मली अस ग्रुप वन का शुरू कंदा आयूं टू अल्कली जा ग्रुप आन डी ब्लॉक जो 10 ग्रुप आन पी ब्लॉक जो 6 ग्रुप आन उन हिसाब से जी काउंट कबो 17 थी नॉर्मली यो 7 ग्रुप चवराइंद है इन जो फर्स्ट जो मेंबर है वो फ्लोरिन है। इन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन
ऐं हेलोजन फैमिली पूरी जो पूरी फैमिली में 7 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कया वेंदा आहिनि ऐं हिननि जी रिएक्टिविटी छा चइजे फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द हेलोजन बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस न्यूक्लियस जे तमामु क़रीब हुजण जे करे हीउ इलेक्ट्रॉन खे अट्रैक्ट करण जी कैपेसिटी वधीक रखे थी फ्लोरीन तंहिंजे करे फ्लोरीन जी सभ खां वधीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छा आहे उहा ताक़त उहा एबिलिटी जेका इलेक्ट्रॉन्स खे पाण ॾे छिके उनखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॾिबो आहे अहिड़े तरीक़े सां फ्लोरीन जी सभिनि खां वधीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज़िस डाउन द ग्रुप एज द आउटर एनर्जी लेवल्स ऑफ ईच एलिमेंट एटम्स गेट फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस जेतिरो न्यूक्लियस खां परे थी रहिया आहिनि हेलोजन्स जा इलेक्ट्रॉन्स ओतिरी हुन जी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ थी रही आहे पर जेकॾहिं इन ई हेलोजन खे कंपेयर कजे अलकली मेटल सां त जेतिरो डिस्टेंस इंक्रीज़ थींदो त हुन जी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ थींदी आहे ऐं हेलोजन जी वरी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ थींदी आहे अहिड़े तरीक़े सां असां अलकली मेटल बि खणी आया आहियूं तव्हां ॾिसी सघो था अलकली मेटल आहे ऐं इहो ई सबबु आहे वाए डू द एटम्स कंबाइन कंबिनेशन जो सबबु ई इहो हूंदो आहे त एलिमेंट्स चाहींदो आहे त पंहिंजे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जंहिंखे ऑक्टेट रूल सॾिबो आहे ऐं ऑक्टेट रूल खे फॉलो करण जे लाइ एलिमेंट जेके आहिनि इन शइ खे फॉलो कंदा आहिनि त उहे जेके आहिनि ॿिए सां रिएक्ट करनि जेकॾहिं उन्हनि जो ऑक्टेट पहिरियों ई फिल हूंदो आहे त पोइ उहे नॉन रिएक्ट हूंदा आहिनि डाटेट फॉर्म में जेकॾहिं स्ट्रक्चर ॾिसो ऐं असां हीउ पोटाशियम खयों आहे पहिरें ग्रुप में बथस ॿिए में अहिड़े तरीक़े सां आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे यानी 2, 8, 8 and 1 ऐं अलकली मेटल्स में जेको पोटाशियम एलिमेंट्स आहे तव्हां जेकॾहिं अलकली मेटल्स जे बारे में ॾिसो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ थी थिए लिथियम खां सोडियम वधीक रिएक्टिव आहे सोडियम खां पोटाशियम वधीक रिएक्टिव आहे पोटेशियम खां रुबेडियम वधीक रिएक्टिव आहे ऐं रुबेडियम खां सीज़ियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आहे द अलकली मेटल्स फॉर्म द कंपाउंड दैट आर सिमिलर टू ईच अदर अक्सर करे हिननि जा अलकली मेटल्स ईच हैव वन आउटर एनर्जी आउटर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे हुनजे आउटर एनर्जी लेवल में सिर्फ़ इट इज़ दिस इलेक्ट्रॉन डेट इज़ रिमूव्ड वैन अलकली मेटल्स रिएक्ट जॾहिं बि अलकली मेटल्स रिएक्ट कंदा त ही पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन ईज़ीली डोनेट करे छॾंदा द इज़ीअर इट इज़ टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन द मोस्ट रिएक्टिव द एटम इलेक्ट्रॉन जो निकिरणु जेको आहे हुनजी रिएक्टिविटी खे इनक्रीज़ थो करे छॾे अनलाइक द हेलोजन्स द रिएक्टिविटी ऑफ द अलकली मेटल्स इंक्रीज़िस डाउन द ग्रुप अहिड़े तरीक़े सां तव्हां हेलोजन में छा पियो थिए हेलोजन में डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ पई रिएक्टिविटी थी पर अलकलीज़ में रिएक्टिविटी जेका आहे उहा इंक्रीज़ थी थिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डॉट डायाग्राम इफ़ यू वॉन्ट टू सी हाउ द एटम ऑफ एन वन एलिमेंट विल रिएक्ट इट इज़ हैंडी टू हैव एन ईज़ियर वे टू रिप्रेजेंट द एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल यू कैन डू दिस विद द इलेक्ट्रॉन डॉट डायाग्राम एन इलेक्ट्रिक डॉट डायाग्राम इज़ द सिंबल फॉर द एलिमेंट सराउंडेड बाय द मेनी डॉट्स एज दे आर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर एनर्जी लेवल्स हाणे डॉटेड डायाग्राम छो जो अनकरीब ॿियो लेक्चर असांजो बॉन्डिंग जो हूंदो त उन मां असां डॉटेड डायाग्राम जे ज़रिए ॾिसंदासीं त आउटर मोस्ट शेल में केतिरा इलेक्ट्रॉन आहिनि केतिरा शेयरिंग जे तरफ़ वञी रहिया आहिनि त उते सम्झण में तव्हांखे मदद मिलंदी द डॉट्स हाणे इहो कीअं तव्हां बि ख़ुदि बि जेके आहिनि जेके नाइंथ या स्टूडेंट्स आहिनि या जिन खे बिल्कुलु केमिस्ट्री नथी अचे त उहे ज़हन में रखनि त असां उन्हनि जी डॉट डायाग्राम कहिड़े फॉर्म में असां राइट कंदा आहियूं द डॉट्स आर द रिटन द पेयर्स on four sides of the element symbol start by writing one dot on the top of the element symbol then work your way around adding the dots to the right bottom and left nitrogen contains 5 electrons its outermost energy level tawan sunja 2 electrons are pairing me likhya han and 2 electron unpaired ain unpaired electrons are the valence of atom it means it is the ability to share 3 electrons ऐं 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आहिनि ऐं इहा ई हिन जी वैलेंसी आहे इहा ई एबिलिटी आहे इहे अट्रैक्ट करे ऐं ऑक्टेट पंहिंजे खे पूरो कंदो अहिड़े तरीक़े सां एड अ फिफ्थ डॉट टू द टॉप टू मेक अ पेयर कंटिन्यू दिस मैनर अंटिल यू रीच द 8 डॉट टू कंप्लीट द लेवल ऐं जॾहिं असां बॉन्डिंग ते पुॼंदासीं त पोइ जेको आहे ख़बर पवंदी त असां हिनखे जुदा छो कयोसीं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छो रखियासीं 2 पेयरिंग में छो रखियासीं तंहिंजे करे जेकॾहिं असां 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखंदा आहियूं त उन्हनि में उहे शयूं काफ़ी क्लियर थींदियूं जॾहिं असां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ते पुॼंदासीं
Now that you know how to write the electron diagram for the elements, you can see them to show how atoms bond with each other. अहिड़े तरीक़े सां बॉन्डिंग सेटअप जेको आहे उहो उन्हनि डॉट्स ते डिपेंड कंदो आहे. जेकॾहिं 3 इलेक्ट्रॉन आहिनि त 3 बॉन्ड ठाहींदो, 2 इलेक्ट्रॉन आहिनि त 2 बॉन्ड ठाहींदो, हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे फ्री त 1 जेको आहे बॉन्ड ठाहींदो. अ केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स डेट होल्ड्स द एटम होल्ड्स टू एटम्स टूगैदर. एटम्स बॉन्ड विद अदर एटम इन सच अ वे डेट ईच एटम बिकम्स मोर स्टेबल. डेट इज़ देयर आउटर एनर्जी लेवल विल रिज़ेम्बल्स दोज ऑफ द नोबल गैसेज. ऐं इहो ई तरीक़ो आहे जॾहिं हू बॉन्ड ठाहींदो आहे त पंहिंजा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 8 पूरी कंदो आहे जेका नोबल गैसेस जी आहे, ऐं पोइ स्टेबल थी वेंदो आहे. हाणे तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ो क्वेश्चन अची रहियो आहे, मां हर MCQs बि हिकिड़ो खणी आयो आहे तव्हांजे लाइ. द इलेक्ट्रॉन्स आर नाओ नोन टू स्वार्म अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ कॉन्फिग्रेशन नोन एज द इलेक्ट्रॉन सर्किल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन स्वार्म. थोरो कोशिशि कयो सिखण जी ऐं सोचो तुंहिंजो जवाबु छा थींदो, ऐं जवाबु लिखण खां पोइ थोरी देरि में तव्हांजे साम्हूं हिनजो एंसर बि अची पतो. हिनजो एंसर थींदो द एंसर इज़ द बी. द क्लाउड इनक्लूड्स ऑल द रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन माइट बी फाउंड. क्वेश्चन नंबर ॿियो, वॉट द इंफॉर्मेशन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस डायग्राम. डायग्राम खे ध्यान सां ॾिसो ऐं पोइ हाणे This image in an example of electron dot diagram, it tells you that the nitrogen contains 5 electron in its outermost energy level. Question number 3. The Hall energy level is from the nucleus, the Hall electrons it can hold. MCQs taan je saamo achi rahe ho. A aahe. The closer an energy level is from the nucleus, more electrons it can be hold. Or B. The closer in an energy level is from the nucleus, less electrons it can hold. Yeah, C. The farther an energy level it from the nucleus, the less electron it can hold. Or D. इन्हनि मां कहिड़ो सुवाल जो जवाबु थी सघे थो, ऐं हींअर तव्हांजे साम्हूं जो जवाबु बि अचे थो. Answer is the D. The farthest shell contains the greater number of electrons. जीअं शेल्स परे थींदा वेंदा, इलेक्ट्रॉननि जो तादादु जेको आहे उहो इनक्रीज़ थींदो आहे. तव्हांखे जेके बि सुवाल हुजनि तव्हां लिखी सघो था पंहिंजा सुवाल MCQs, ऐं हीअ जेका बि स्लाइड्स आहिनि तव्हां इहे डाउनलोड बि करे सघो था, ऐं इहे मां पेज ते रखे छॾींदुसि. अल अल्तमासे दुआ.